पतन पे पैदल है, प्रथम बुद्ध है, देव के देव है महादेव। उन्होंने संन्यास परंपरा का शुरुआत किया था, सप्त ऋषियों को केदारनाथ में उन्होंने दीक्षा दी। उसके बाद भारत में उनके जो शिष्य थे तो संन्यास की परंपरा को आगे बढ़ाया। संन्यास हमारा उस समय सन्यासी हर द्वार में रहते थे, गृहस्थ थे, सब कुछ करते थे, परिवार के साथ रहते थे। धीरे 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 ये परंपरा चलती रही। फिर आज से 2500 साल पहले बुद्ध आए और बुद्ध ने देखा और बुद्ध ने संन्यास को परिवर्तन कर दिया। बुद्ध ने कहा कि नहीं, अब जो संन्यास में परिवार छोड़ेगा और जो भिक्षा मांग के खाएगा वो संन्यास उन्होंने कर दिया। उससे सारे लोग प्रभावित हुए, पूरे लोग प्रभावित हुए कि ये सब कुछ छोड़ चुका है, ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो बहुत त्यागी है, वो प्रभाव करने वाला संन्यास कर रहा था। भाव का संन्यास नहीं, प्रभाव का संन्यास। ठीक उसी समय महावीर हुए बिहार में और महावीर ने भी यही संन्यास की परंपरा रखी। महावीर ने तो और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि वस्त्र की भी जरूरत आपको धीरे धीरे नहीं है। तो महावीर की परंपरा है खाना हाथ में खाना है, तो उसका बुद्ध ने कमंडल दिया था कि इसी में खाना खा लेना, इसी में सब कुछ कर लेना। उन्होंने तो कमंडल भी नहीं दिया, उन्होंने कहा हाथ में जो आए तो हाथ में आप ले लेना और हाथ में ही उसको खा लेना, हाथ से पानी पी लेना। इस तरह संन्यास का रूप ऐसा हो गया। तो कोई फिर इसको देखते हुए जब ये दो बड़े धर्म हो गए बौद्धिज्म और जैनिज्म, तो आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व शंकराचार्य और शंकराचार्य ने देखा कि हिंदू संन्यास तो बिल्कुल नीचे जा रहा है, हिंदू संन्यास तो घर में रहता है, गृहस्थ में रहता है और ये दोनों संन्यास बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। तो शंकराचार्य ने भी संन्यास की परंपरा रखी कि अब हमारा जो सन्यासी होगा घर द्वार छोड़ देगा, पति पत्नी छोड़ देगा और भीख मांग के जीविका पाठन करेगा। इस तरह के जो तीनों बड़े सन्यास थे भारत में, जैन के, बुद्ध के और हिंदुओं के, ये तीनों बहुड़े सन्यास थे। घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, पत्नी छोड़ना, बच्चे छोड़ना, परिवार को के साथ काम छोड़ना, ये सब कुछ घटने लग गया। पता नहीं कितनी स्त्रियां बेसहारा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोगों को भीख मांग के गुजारा नहीं करना पड़ा, पर संन्यास के नाम के पर चलता रहा, क्योंकि संन्यास के नाम पर सब सुलित था, क्योंकि एक नया संन्यास था और सब लोग सन्यासी को आदर देने लगे। मन में कोई आदर नहीं था पर भारत में आदर देने लगे। उसको आया, उसको ये देखा सब कुछ कि संन्यास के नाम पर केवल भगोड़ा बदला गया है, केवल एक गाड़ी भर के लोग, सीरियस लोग, गंभीर लोग, जीवन में उनकी कोई क्रांति नहीं, उनके जीवन में कोई उमंग नहीं, उनके जीवन में कोई हंसी नहीं, उनके जीवन में कोई उत्सव नहीं, उनके जीवन में कोई नाच नहीं, उनके जीवन में कोई आनंद की कण नहीं, बस वो सन्यासी है। आसन पर बैठे हैं वो सन्यासी है। जब उसने ये देखा, उसने एक नव संन्यास की कल्पना की और नव संन्यास का 26 सितंबर 1970 को नव संन्यास का उन्होंने सूत्रपात किया। अब कोसवा संन्यास क्या है? अब कोसवा संन्यास, अब आप घर में हैं, आप घर में रहेंगे, आप अपना जो काम करते हैं वो काम करते रहेंगे, पत्नी है पत्नी के साथ रहेंगे, बच्चे हैं बच्चों के साथ रहेंगे, सब कुछ वैसे ही है जैसा आप थे। कोसो से पहले हर चीज तोड़ी जाती थी संन्यास में, घर भी छोड़ना है, पत्नी भी छोड़नी है, बच्चे भी छोड़ने हैं, व्यापार भी छोड़ना है, नौकरी भी छोड़नी है, सब कुछ छोड़ना है। उसों के संन्यास में जैसे आप हैं वैसे नहीं, बस एक चीज उसने जोड़ा, वो है ध्यान। बस आप ध्यान करेंगे तो बाकी प्रेम और सेवा तो ध्यान से निकल जाएगा। जो व्यक्ति ध्यान करेगा उसके जीवन में प्रेम आ जाएगा, उसके जीवन में गुरु के प्रति सेवा आ जाएगी। एक प्लस क्या है उसमें, सब लोगों ने घराया आपके जीवन से कुछ ना कुछ, उसने जब आया तो उसने
रिक्वेस्ट किया कि आपके जीवन में केवल ध्यान जोड़िए, जैसे आप जीते हैं वैसे जीते हैं, कोई कहीं पर आपकी जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप में इतना मजबूत है कि आपके जीवन को बदल के रखते हैं। आप अगर ऊपर से बदले तो फिर वो दिखावा होगा, वो एक प्रकार की चालबाजी होगी, एक प्रकार का ठोक, और उसको नहीं चाहते कि वे सन्यासी ठोक ही बने, वो जैसे हैं वैसे रहे। अगर ध्यान आपको बदल सकता है तो फिर आप बदले, जैसे आप हैं तो वैसे आप रहेंगे। तो ये नया सूत्रपात हुआ है जो कि आने वाले मनुष्य को यही संन्यास बचाएगा। उसको कहते हैं कि संन्यास के बदले कुछ और नाम रख सकता था, पर मैंने संन्यास नाम ही चुना, क्योंकि पिछले संन्यास के नाम पे जो भगोड़ापन हुआ है उसका प्रायश्चित हो सके। कितने संन्यास के नाम पे कितने घर उजड़े हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, जीते जी ये कितना अन्याय हुआ है संन्यास के नाम पर, कि त्रिपुर नागरिक था हिटलर के बिल के कितने लोग सत्यन्यास नहीं किए, इस संन्यास ने हमारा सत्यन्यास कर दिया। भारत कमरी तोड़ दी, भारत एक करोड़ सन्यासी भारत में जो आपके अजीविका पर निर्भर है, आप कमाते हैं तो खाते हैं। तो ऐसा संन्यास आपको पता है पायलट संन्यास वे नियम क्रिमिनल एक्ट है, इतने जल्दी जल्दी संन्यास हो रहा था, घर घर द्वार छोड़ के सन्यासी हो रहे थे, कि अब सरकार ने उसको क्रिमिनल एक्ट कर दिया है। तो वैसे भारत की जो रीढ़ थी, भारत की जो प्रतिभा थी, वो सब संन्यास में जा रही, भगोड़ा संन्यास, कोई काम का संन्यास नहीं था, न तो सन्यासी को सृजन करता था, न वो सन्यासी संसार को देता था, बस नंगे पांव चलने में परमात्मा मिल जाता था, सभी को मिल जाता। जैसे वो बता रहे थे आहार के बारे में कि भाई अगर आहार अच्छा खाते हैं थोड़ा ज्यादा दिन जी लोगे तो क्या कर लोगे, 60 के बदले 80 जी लोगे, 80 के बदले 120 जी लोगे तो क्या कर लोगे। तो संन्यास के नाम पे दुकानदारियां चलने लगे, बड़े बड़े बाबा आ गए, दीक्षा देने लगे, सारा कुछ होने लगा। उसने एक नया संन्यास दिया जिसमें कोई पकौड़ापन नहीं है, कोई कुछ पाखंड नहीं है, जैसे हैं आप वैसे जिए। उसने किसी ने पूछा क्या मैं ध्यान करते हुए शराब पी सकता हूँ, उसने कहा कि ध्यान करते हुए शराब नहीं पी सकते। दूसरे व्यक्ति ने पूछा किसी शिविर में और क्या मैं शराब पीते हुए ध्यान कर सकता हूँ, उसने कहा हाँ तुम शराब पीते हुए ध्यान कर सकते। देखिए दोनों बात में बहुत फर्क है ना, एक व्यक्ति शराबी है वो पूछ रहा है कि मैं शराब पीता हूँ क्या मैं ध्यान कर सकता हूँ शराब पीते हुए, बिल्कुल कर सकते हो, पर एक व्यक्ति कह रहा है कि ध्यान करता हूँ ध्यान कर रहा हूँ और मैं ध्यान करते समय शराब पी सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो धर्म है उसने जो नया विजन दिया है उसको समझने में भारत को वक्त लग रहा है, अभी वक्त लग रहा है। आप आ गए, आप उनको समझने चीजें आ गई, क्योंकि विकास जी आपको लेके आ गए और यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई, पर बिल्कुल अनुकार धर्म है इस पृथ्वी का, जिसमें मैं फिर से दोहराता हूँ कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, जहाँ है वहीं रहिए, अपने काम को और खूबसूरती से करिए और ध्यान आपके में अंदर में बदलाव आएगा। जो ध्यान होगा उसकी किरण आपके अंदर में बदलाव आएगी। आप बेमान मत होइए, शिक्षा किसी को दुख मत दीजिए, मैं इतना ही कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, किसी को दुख मत दीजिए, सुख देने के मैं नहीं कहता,